हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया के बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम के बारे में जो हर्षद मेहता के द्वारा किया गया था, जिसकी वेब सीरीज स्कैम 1992 अभी अभी ही मार्केट में लॉन्च हुई है और यह वेब सीरीज काफी चर्चा में रही है। और यह वेब सीरीज में फाइनेंस, बैंकिंग और शेयर मार्केट के रिलेटेड ज्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं था, वह लोग भी यह सीरीज को देखकर शेयर मार्केट को जानने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स, काफी सारे मेरे दोस्त जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो मुझको अक्सर कहते रहते हैं कि स्कैम 1992 देखिए, बहुत मजा आया, लेकिन उसमें जो मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट था वो हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर से ही पूरा वीडियो शूट किया जाए, जिससे जिन लोगों को मनी मार्केट का थोड़ा नॉलेज है या तो नॉलेज ही नहीं है, उनको भी सारा कुछ मनी मार्केट के बारे में जानने को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मनी मार्केट शेयर मार्केट से बिल्कुल ही अलग है, जिसमें किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यानी एक साल से कम समय के लिए पैसों की जरूरत है, तो वह कंपनी मार्केट में कॉमर्शियल पेपर, ट्रीजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है और अपनी शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करती है। और फ्रेंड्स, कंपनी इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है और कई बार तो मैच्योरिटी पे ज्यादा अमाउंट भी पे करती है। यानी कॉमर्शियल पेपर 1 लाख का इश्यू किया तो कंपनी मैच्योरिटी के टाइम पे 1,20,000 उस पर्सन को पे करेंगे। और फ्रेंड्स, मनी मार्केट आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करता है। और फ्रेंड्स, कई बार गवर्नमेंट को भी मनी मार्केट में पैसों की जरूरत होती है, यानी कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कहीं पे रोड बनाने के लिए, कहीं पे डेवलपमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट सीधा सीधा पब्लिक के पास से पैसा नहीं मांग सकती, वह आरबीआई को बताएगी कि हमको इतना पैसों की जरूरत है, तो वह आरबीआई जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है यानी एसबीआई, एसबीआई को बताएगी कि गवर्नमेंट को इतना पैसा चाहिए, तो हमारा जो पैसा एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट के नाम पे है उसमें से अमुक परसेंटेज आरबीआई गवर्नमेंट को दे देगी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी और गवर्नमेंट को किसी भी दूसरे देश के पास से यानी आईएमएफ के पास से भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह इंटरेस्ट का पैसा अपने ही देश में फ्लो होता है, यानी कैश फ्लो भी मेंटेन रहता है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही स्कीम 1992 स्टार्ट हुई थी, तभी एक एसबीआई का एम्प्लॉय टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिस में आकर सुचिता दलाल को बता रहा है कि एसबीआई में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, एसबीआई में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और वह फ्रॉड हर्षद मेहता ने किया है, जिसमें वह बता रहा है कि एसबीआई ने 500 करोड़ रुपए की पेमेंट इश्यू की है और उसके बदले में बीआर नहीं लिया। यानी बीआर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। बीआर यानी फ्रेंड्स बैंक रिसिप्ट, ये किस तरह काम करता है, जिस तरह एग्जांपल के तौर पे एसबीआई और एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक है, अगर पंजाब नेशनल बैंक को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है और एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है, उसको अभी 100 करोड़ की कोई जरूरत नहीं है, वो फिक्स डिपॉजिट उसके पास पड़ी हुई है, और पंजाब नेशनल बैंक को 100 करोड़ रुपए की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के पास से 100 करोड़ रुपए ले लेगी और एसबीआई उसके बदले में सिक्योरिटी मांगेगा कि मेरे 100 करोड़ रुपए नहीं आए तो मैं कहां पे जाऊंगा। तो पंजाब नेशनल बैंक अपने सिक्योरिटी के नाम पे बैंक रिसिप्ट की एक रिसिप्ट इश्यू करती है एसबीआई के नाम पे, जिसमें लिखा होता है कि अगर हम 100 करोड़ रुपए एसबीआई को नहीं चुका सके तो हमारी जो असेट्स है पंजाब नेशनल बैंक के पास, वह बेचकर भी एसबीआई अपने पैसों को वसूल कर सकती है, ये ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको मालूम हो ही गया होगा कि बीआर क्या होता है, और इसीलिए वह जो एसबीआई का वर्कर वो है वो बोलता है कि बीआर इश्यू नहीं किया, यानी एसबीआई ने बीआर लिया ही नहीं है किसी भी पर्सन के पास से 500 करोड़ का, यानी 500 करोड़ नहीं आए तो टोटली लॉस। और फ्रेंड्स, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको स्कीम 1992 का कौन सा डायलॉग बहुत ही अच्छा लगा और स्कीम 1992 सीरीज के ऊपर से आपको क्या जानने को मिला। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।